फ्रेंड्स टुडे वी वुड स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू सो आई यू ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है ईजी है बहुत ज्यादा ईजी है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है बट टेक्निकल है कुछ कुछ पॉइंट सिर्फ समझना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पहले पढ़ लेना कोई भी बच्चा अगर वीडियो क्लास देख रहा है और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है और सोच रहा कि मैं पहले पार्टनरशिप पढ़ लूँ नहीं ये गलती मत करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पहले पढ़ लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितनी बारीकी से हमने डिस्कशन किया है उसके बाद जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को स्टडी करेंगे आपको लगेगा ओ माय गॉड इट्स सो सो बेबी लेट्स स्टार्ट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको पता है ये अब सी ए फाउंडेशन हो गया है इट इज़ नो लॉन्गर सी पी टी और दोस्तों फाउंडेशन मतलब द फाउंडेशन शुड बी रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और अब आप आपको लिखना है लिखने के लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और समझेंगे तो सही लिखेंगे ऐसा मानना है मगर मेरे दोस्त हम सही समझ चुके हैं मगर हम सही नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि कई बार हमारे पास सही लिखने का सही वोकेबुलरी नहीं रहता है समझ गए हम सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है अब कैसे लिखें कैसे लिखें वी आर जनरली एट लॉस ऑफ वर्ड्स तो ये वर्ड्स और ये लैंग्वेज हम कहाँ से बोरो करेंगे हम अपने वर्ड्स पे नहीं जाएंगे बेस्ट है कि हम सीए इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से वर्ड्स को पिकअप करेंगे आपको ये बता देता हूँ मैं जो गाइडलाइंस आंसर्स होते हैं जो भी एग्ज़ामिनर आपके पेपर को जब चेक करेंगे क्योंकि अब वो एमसीक्यू नहीं है सो दे विल बी गिवन सम गाइडलाइंस टू चेक योर आंसर शीट और वो गाइडलाइन आंसर्स जो है आई सी के टेक्स्ट बुक जो है उससे मिलता जुलता लैंग्वेज रहेगा सो so दोस्त इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आई सी के लैंग्वेज को फॉलो करना एक और बेनिफिट है जब हम आई सी के स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं आपको क्वेश्चन किस तरीके से कौन सा लैंग्वेज को कहाँ से उठा के क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया गया है ये आपको हम समझाएंगे पढ़ते पढ़ते जो भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है हम उसको अंडरलाइन कराएंगे आपको और हम आपको अलग से बताएंगे कि ये तीन लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यूनिट वन में हमें पढ़ना है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप जनरल नेचर जनरल सी बातें करना है लर्निंग आउटकम्स क्या होगा इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे क्या समझोगे कॉन्सेप्ट समझोगे किसका कॉन्सेप्ट समझोगे पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझोगे और एसेंशियल एलिमेंट्स जो है पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत सारे डिस्कशन करेंगे हम बहुत सारे सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे आज हम कि क्या ये सिचुएशन पे जहां पर प्रॉफिट बट रहा है बट क्या यहां पर संता और बनता पार्टनर है ये हम इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे कुछ रूल्स को समझेंगे उस रूल्स को समझकर अप्लाई करेंगे और फिर बताएंगे कि नहीं नहीं लग रहा है कि ये पार्टनर्स है लग रहा है मगर वाकई ही ये पार्टनर्स नहीं है तो ये समझना जरूरी है और हम समझेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल का बात नहीं कर रहा हूं मैं ठीक है प्रिंसिपल एंड एजेंट प्रिंसिपल एंड एजेंट ठीक है प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप को भी समझना है बहुत 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 वैल्यूबल है ये प्रिंसिपल एंड एजेंट को रिलेशनशिप को अगर हम नहीं समझे तो कि पार्टनरशिप नहीं समझा हमने तो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप ऐसा क्या दरकार है समझना क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होते हैं दोस्त वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं अब जब तक आप प्रिंसिपल और एजेंट को सही तरीके से नहीं समझोगे आप ये पार्टनरशिप को नहीं समझ पाओगे और हमें क्या देखना है और हमें देखना है पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू वन डिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी तो ये सब भी हमें समझना है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप वर्सेस क्लब भी देख लेंगे पार्टनरशिप वर्सेस को मेंबरशिप भी देख लेंगे को ओनरशिप देख लेंगे तो उसको मेंबरशिप नहीं को ओनरशिप और पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन को भी देखेंगे तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप व्हाट इज पार्टनरशिप ये डेफिनेशन को देखना है समझना है और इस डेफिनेशन को तोड़ेंगे इस डेफिनेशन को मरोड़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स देखना है और ये देखिए दोस्त वॉट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ट्रू टेस्ट ऐसा कौन सा इम्तिहान है जो एकदम सच्चा इम्तिहान है ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है हाउ विल यू नो दैट दिस पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कुछ केस समझाएंगे कुछ स्टोरी समझाएंगे स्टोरी में बताएंगे क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉफिट्स को शेयर कर लिया बट क्या ये पार्टनरशिप है तो कुछ ट्रू टेस्ट है जब केमिस्ट्री लैब में आपने देखा था ना ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड या ऐसे कुछ केमिकल एनालिसिस हम करते थे साइंस के लेबोरेटरी में तो कुछ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हम आपको सिखाएंगे तो जल्द से आप अपना हाइलाइटर लेकर रखिए रेडी रहिए कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हम बताएंगे आपको अरे दोस्त कहां गए डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन ऑफ पार्टनर डेफिनेशन ऑफ फर्म एंड फर्म नेम तो ये तो मुझे लग रहा कि आपको समझ में आ गया होगा फर्म नेम क्या होता है अरे सर बहुत इजी है जितने पार्टनर्स है मिलकर पार्टनर ने कुछ नाम रखा मिलकर जो पार्टनर जब एक काम करते हैं तो फर्म बनाते हैं सर और उसी फर्म का नाम जो है वो फर्म नेम है बहुत अच्छी बात है सर जो मिलकर जो काम करते हैं साथ में उसे पार्टनर कहते हैं बिल्कुल सही है तो आइए आपको मालूम है बट फिर भी पढ़ लेते हैं लैंग्वेज के लिए पार्टनरशिप कलर चेंज करना होगा ग्रीन कलर लूंगा मैं पार्टनरशिप क्या पार्टनरशिप एक रिश्ता है क्या पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पार्टनरशिप यस इज द रिलेशनशिप किनके बीच में है ये रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनस मतलब पार्टनरशिप रिलेशनशिप है बिटवीन persons मैं इतना एम्फोसिस क्यों कर रहा हूँ बिटवीन पर्सन्स को मैं इतना जोर से अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ ये आप सोचिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ आप समझने का चेस्टा करिए या थोड़ा सा इंतज़ार करिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पार्टनरशिप मैं फिर से बोल रहा हूँ धीरे से बोल रहा हूँ दोस्त लॉ का पेपर है क्लास इलेवन ट्वेल्व के स्टूडेंट नहीं रह गए हो आप सी ए पढ़ना चाहते हो सी ए सी ए में यही होता है छोटी छोटी बातों को अगर आप इग्नोर कर दोगे ना फंस जाओगे पढ़ाई करने का पैटर्न आपको चेंज करना होगा तो ध्यान से देखिए पार्टनरशिप लॉ को पढ़ रहे हो आप वकील बनना वकील साहब पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स और ये पर्सन्स पर्सन person नहीं है ये पर्सन्स स्वाभाविक so हाँ सी बात है पार्टनरशिप अकेला तो हो नहीं सकता अगर आप अकेला बिजनेस कर रहे हो तो वो क्या है वो कौन सा फॉर्म है यस सोल प्रोपराइटरशिप सो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सनस और ये पर्सन अग्री किए हैं क्या अग्री किए हैं बताइए कुछ अग्री किया इन्होंने हम शेयर करेंगे हम आपस में बांटेंगे क्या बांटेंगे सुख दुख बांटेंगे नहीं दोस्त सुख दुख बांटने का जो पार्टनर होता है ना दोस्त उसे हम वाइफ कहते हैं या उसे हम हस्बैंड कहते हैं यस पार्टनर फॉर लाइफ जीवन साथी बट यहाँ हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं ये प्रॉफिट कमाएंगे हम प्रॉफिट कमाएंगे मिलकर पैसा कमाएंगे मनी मॉनेटरी गेन होगा और इस गेन को हम विश्वास करो ईमानदारी से आपस में बांट लेंगे have agreed to share the... क्या शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्त हम बिजनेस करेंगे मिलकर तो कुछ रिश्ता हम बनाएंगे लोगों के साथ बनाएंगे ह्यूमन रिलेशनशिप पर्सनस के साथ रिश्ता बनाएंगे और तो रिश्ता बनाने का रीजन है कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे और वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा बैंक लूट कर आएगा टैंक नहीं बैंक लूटने का बिजनेस नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया है भाई कि इलीगल है तो कुछ लीगल बिजनेस करेंगे सही तरीका का बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा हम बांट लेंगे अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं मैं पांच लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप किया फाइव पार्टनर्स स्कूल के बचपन के साथी पांच लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप किया क्या जरूरी है कि पांच के पांच को ही काम करना पड़े ये सोच के देखिए कोई जरूरी नहीं है एक व्यक्ति के पिताजी बहुत अमीर है बोला भाई तेरे को काम करने का दरकार नहीं भाई तू बस अपने बापूजी के वहां से ना दस पेटी ले दस पेटी दस पेटी मतलब दस लाख और सुनना अरविंद तेरे पापा तो बहुत ज्यादा अमीर है रे भाई तू खोखा लेकर आ खोखा एक खोखा लेकर आ तू दस पेटी नहीं तू एक खोखा लेकर आ एक खोखा बोले तो एक करोड़ ओनली तो दो पार्टनर तो ऐसे हैं अरविंद और अनिल जो बहुत ही रईस है तो दोस्त एक करोड़ दस लाख का तो जुगाड़ हो गया बाकी मेहनत मुशक्कत करने के लिए हम लोग हैं ना बब्बन लल्लन और छप्पन तो बब्बन लल्लन और छप्पन जो है बहुत मिलकर काम करेंगे भाई तुम लोग सिर्फ पैसे लगा दो ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है तो अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है तो बिजनेस जो है आपस में हम आत्मा से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं गलत नहीं करेंगे तुमने वादा दे दिया तो समझ लो मैंने वादा दे दिया अगर लल्लन ने किसी को वादा दे दिया ना तो समझ लो बब्बन और छप्पन ने भी वादा दे दिया अनिल और अरविंद तो वैसे भी बहुत माइडियर है कोई बात नहीं काटते कोई आपस में झगड़ा नहीं करेंगे हम नहीं नहीं लल्लन ने कहा था ना लल्लन ने मैंने तो नहीं कहा था ऐसा नहीं करेंगे हम तो कहने का मतलब ये भले ही हम पांच अलग अलग व्यक्ति हैं बब्बन ने कह दिया तो समझो सब ने कह दिया अनिल ने कह दिया तो समझो सब ने कह दिया तो दोस्त बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल यह ऐसा बिजनेस है सब के सब मिलकर काम कर रहे हैं ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है या ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एनी वन ऑफ देम पांच पार्टनर थे कोई एक भी काम कर रहा है पांचों के लिए तो भी चलेगा तो ये थे दोस्त पार्टनरशिप की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा अब देखो ये मैं सिंपल रीडिंग कर रहा हूँ पर्सन हु वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स समझ चुके हो एंड कलेक्टिवली अ फर्म तो पांच दोस्त जो थे कलेक्टिवली उन्होंने अपना फर्म का नाम रखा पंच गामा अपने आप को सब गामा समझते थे गामा पहलवान तो पांच दोस्त फर्म का नाम रख दिया पंचगामा तो पंचगामा है फर्म का नाम तो कलेक्टिवली पांच लोगों को हम फर्म कहते हैं और ये फर्म जो है नाम रखा पंचगामा एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम तो दोस्त फर्म मतलब मजबूती ठीक है तो फर्म नेम हो गया तो फर्म नेम अब हम मिलकर है साथ साथ है हमारा फर्म का नाम है पंचगामा तो क्या आप रेडी है गाने के लिए कोई गाना ठीक है अभी गाना मत गाइए एग्जाम का रिजल्ट के बाद गाइएगा अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप हल्का चैप्टर है इजी चैप्टर है रिलैक्स होके मजा लेते हुए पढ़िए को एग्जिस्ट वर्ड को पहले ध्यान दीजिए को एग्जिस्ट को एग्जिस्ट को एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है कि सब के सब एक साथ होने चाहिए को एग्जिस्ट कौन होने चाहिए एक साथ क्या होना चाहिए एक साथ अरे भाई एसेंशियल एलिमेंट्स एक साथ होने चाहिए देखते हैं। समझते द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कंटेन्स द फॉलोइंग फाइव एलिमेंट्स पांच दोस्त पंच गामा और पंच गामा का करेंगे अब हम पंचनामा और है पांच एलिमेंट विच मस्ट को एग्जिस्ट बिफोर अ पार्टनरशिप कैन कम इन टू एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप का जन्म जब तक ये पांच एलिमेंट पांच तत्व वैसे आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स भी पांच तत्व से बने हैं So, पांच तत्व का बहुत वैल्यू है दोस्त पांच एलिमेंट पार्टनरशिप में भी आ गया है तो पांच एलिमेंट को पढ़ना है एलिमेंट नंबर वन है आपके स्क्रीन के सामने एलिमेंट नंबर वन गौर से देखिए पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन इसका मतलब क्या है दो व्यक्ति पार्टनर थे एक व्यक्ति मर गया अरे मर गया रे वो मर गया तो पार्टनरशिप भी मर गया क्योंकि पांच तत्व अगर एक साथ नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है तो दो और ज्यादा अब पांच लोगों का पार्टनरशिप था भाई अनिल तो मर गए भाई क्या करे कितना समझाया आशिकी मत कर लड़की के चक्कर में मत पड़ दे दिया ना अपना जान तो दे दिया भाई उसने जान मगर पांच पार्टनर थे एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली बड़े दुख से बहुत दुख हो रहा है बट कोई उपाय नहीं है पांच से हो गए चार बट पार्टनरशिप जिंदा है क्या मर जाएगा दो के नीचे तो नहीं हुआ ना तो एक एलिमेंट तो ये है पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट 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 देखो भाई कुछ पहले कुछ करेंगे उसके बाद रिजल्ट होगा हमेशा याद रखना रिजल्ट पहले कभी नहीं आता आप एग्जाम में तैयारी करोगे कुछ कारनामे करोगे कुछ कर्म करोगे उस कर्म के बाद जो फल है उसे रिजल्ट कहते हैं तो फल और कर्म तो क्या कर्म करेंगे हम हम आपस में अग्रीमेंट करेंगे अग्रीमेंट क्या करेंगे एंटर्ड इन टू बाई ऑल पर्सन कंसर्न पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर ऑल जितने भी लोग पार्टनर बनेंगे सबके सब एक को भी नहीं छोड़ सकते हम ठीक है तो एक को भी नहीं छोड़ना है जितने भी पार्टनर है आपस में अग्रीमेंट करेंगे आपस में ये नहीं की लल्लन बोलेगा कि मुझे बब्बन पसंद नहीं है बब्बन बोलेगा मुझे लल्लन पसंद नहीं है मैं साथ में काम नहीं कर सकते पार्टनर नहीं हो सकते अगर पसंद नहीं है नहीं करेंगे साथ में अग्रीमेंट नहीं करेंगे हम तो भाई पार्टनर नहीं हो सकते अब पार्टनरशिप जब बन गया है तो पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन बिजनेस कुछ व्यापार करने का पार्टनरशिप है बिजनेस करेंगे कुछ बिजनेस हम करेंगे कुछ बिजनेस और बिजनेस से कमाएंगे प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को मैं अकेले ले जाऊंगा किसी को नहीं दूंगा क्योंकि मैं हूँ डॉन मोना डार्लिंग मोना कहाँ है हमारा सोना ले चलो नहीं दोस्त ऐसा काम नहीं करेंगे हम हम करेंगे बिजनेस हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे हमारे मन में काला नहीं है हम गोरे हैं हम क्या करेंगे हम पैसे को बांट लेंगे ठीक है और यही देखो आ गया चौथा पॉइंट यही तो है दी अग्रीमेंट याद करो अभी हमने अग्रीमेंट बनाया था अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस तो कहने का मतलब ये है कि हम अच्छा काम करेंगे सफ़ेद काम करेंगे लीगल काम करेंगे इलीगल काम नहीं करेंगे और हम अग्रीमेंट बनाए हैं कि हम प्रॉफिट्स कमाएंगे बिजनेस देखो अब आप कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना किसी ना किसी के दिमाग में आ रहा है सर अगर लॉस हुआ तो लॉस का क्यों नहीं बात करते हैं, सर लॉस का क्या होगा सर अरे भाई एक बात बताओ आदमी जिंदगी में सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा ना तो अच्छा सोच के काम कर रहे हैं सोच यही है कि मिलकर काम करेंगे पांच दोस्त पांच भाइयों की तरह काम करेंगे और यस उम्मीद है कि कमाएंगे हम जोश तो इसी बात का है कि कमाएंगे बिजनेस करेंगे यार प्रॉफिट करने के लिए करेंगे ना बिजनेस का मतलब क्या है कोई भी गुड्स या सर्विस बेचेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचेंगे कुछ ना कुछ मुनाफा कमाएंगे यार तो मुनाफा होगा तो भाई ऐसे ऐसे बांट लेंगे हाँ नुकसान हो सकता है नुकसान होगा तो भी बांट लेंगे मगर मेन सोच जो है वो हमेशा प्रॉफिट का होता है और अब ये बिजनेस कौन करेगा द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये देखो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट से एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत जोरों से छलकती है मेरे दोस्त ये छलकती है ट्रस्ट कि भाई मेरे जगह तुम काम कर ले एक ही बात है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल काम एक लल्लन कर रहा है काम बट लल्लन कर रहा है सबके बिहाफ में कर रहा है सबके लिए कर रहा है प्रॉफिट आएगा तो सब में बटेगा जैसा रेशियो हमने अग्री किया था उसी अग्रीमेंट उसी रेशियो पे पैसा बट जाएगा काम लल्लन कर रहा है ऐसा हो सकता है कि लल्लन जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि लल्लन तू जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है हम एक्स्ट्रा सैलरी देंगे या ऐसा हो सकता है कि नहीं भी दे आपस का अग्रीमेंट है दोस्त ये अग्रीमेंट जो है ना ऊपर में जो देखा हमने अग्रीमेंट ये अग्रीमेंट ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपस के पार्टनर अपने अंदर में ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इसमें आपका दखल अंदाजी नहीं चलेगा दोस्त आप मत बोलिएगा देखो लल्लन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं अठारह घंटा बेचारा लल्लन काम कर रहा है और अनिल और अरविंद को देखो मजे कर रहे हैं और देखो उसको ऐसे आप मत बताइए दोस्त है आपस में उन्होंने अग्री किया है जो भी अग्रीमेंट उन्होंने आपस में किया है वो उनके बात है आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये पांच एलिमेंट होना चाहिए ये पांच एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए बात करते करते 24 मिनट का डिस्कशन हमने कर लिया है बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया भूमिका बनाई है एक बार बेस हमारा रेडी हो गया है रोड एकदम मस्त हो गया है अब हम गाड़ी को हाईवे में दौड़ाएंगे दोस्त ठीक है तो दौड़ने का हड़बड़ी मत करिए पहले बेस को समझिए क्योंकि ये इलेवन ट्वेल्व का पढ़ाई नहीं हो रहा है सी ए फाउंडेशन का पढ़ाई है ध्यान रखिएगा फाउंडेशन को मजबूत करना है मेरे दोस्त अभी तो सिर्फ हल्का सा बताया आपको एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन अगेन ओनली वन पर्सन रिकॉगनाइज बाई लॉ सॉरी अगेन

कैन नॉट बी अ पार्टनर मतलब पंच गामा फर्म पंच गामा फर्म क्या वो पर्सन है पंच गामा फर्म क्या वो पर्सन है मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं इसका मतलब ये है लेट से पंच गामा फर्म पंच गामा फर्म का मैं बाबा पहलवान मेरा नाम है बाबा पहलवान तुम मारते हो पंच गामा तो मैं भी हूं गामा पहलवान बाबा पहलवान मैं इस फर्म के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं बताओ मेरे दोस्त क्या मैं बाबा पहलवान क्या मैं इस पंचगामा फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि पंचगामा फर्म जो है कानून के नजर में ये पर्सन नहीं है तो दो पर्सन आपस में एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हो सकता है तो पंचगामा फर्म पार्टनरशिप फर्म नहीं पार्टनरशिप कर सकते मतलब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते मगर इस पंच गामा फर्म के अंदर मेरा एक दोस्त है मेरा एक दोस्त है बचपन का दोस्त है छगन यार छगन तू मुझे छोड़कर पंचगामा में चले गए बहुत दुख हुआ तो छगन बोलता यार क्यों ऐसे दिल को दुखी कर रहे हो हम और तुम बाबा पहलवान एंड कंपनी खोल लेते हैं तो ठीक है भाई छगन के साथ मैंने पार्टनरशिप किया कुछ गलत किया कुछ अनुचित किया प्रोवाइडेड छगन के साथ जो बाकी पार्टनर्स है पंचगामा में अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है छगन ने उनसे राय ले लिया है कि भाई ले लो कोई दिक्कत नहीं बट हम बाबा पहलवान को ना हमारे साथ नहीं इंक्लूड करना चाहते क्योंकि अनिल और अरविंद की ना हमारे साथ पटरी नहीं खाती है भाई हम क्या करें तो हम और छगन अलग से पार्टनरशिप एक नया फर्म खोल लिए खोल सकते हैं ये आपको समझ में आ रहा है यहां तक बस हम रीड कर लेते हैं अगेन माइनर माइनर का मतलब आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है जो बच्चा 18 साल के नीचे है कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म बट विदेंट कंसेंट कंसेंट मतलब सब का रजामंदी ऑफ ऑल पार्टनर्स मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप मे बी एडमिटेड बेनिफिट ले लो आप पार्टनरशिप का ठीक है बट हम माइनर को क्योंकि पर्सन के डेफिनेशन पे नहीं आएगा माइनर हम उसके साथ कोई भी अग्रीमेंट पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं कर सकते द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बट सेक्शन 464 सिक्सटी फोर ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन हैज नाउ पुट अ लिमिट ऑफ फिफ्टी पार्टनर्स इन एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉरम इट मे बी ऑब्जर्व डैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सनस ये मैं समझा चुका हूँ देर मस्ट बी एन अग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बाई ऑल द पर्सन कंसर्न ऑल द पर्सन एवरीबाडी एवरीबाड सो एवरीबाडी हैज़ टू गेट इंटू द अग्रीमेंट ऐसा नहीं कि एक इंसान बोला नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं अब इससे क्या समझ में आता है हमें दिस एलिमेंट रिलेट्स ये दो इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्त वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप वॉलेंट्री और कॉन्ट्रैक्चुअल वॉलेंट्री वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है वॉलेंट्री का मतलब है बिना कोई फोर्स के और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल ये जो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ वॉल्ट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है अब ये देखो अग्रीमेंट बनना है ये तो समझ में आ चुका कि अग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है अग्रीमेंट कितने प्रकार के बनते हैं एन अग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस अग्रीमेंट है उसी से ये पार्टनरशिप का रिश्ता अराइज हो रहा है अब ये अग्रीमेंट जो है मे बी एक्सप्रेस इट मे ऑल्सो बी इम्प्लाइड मतलब अग्रीमेंट जो है दोस्त अग्रीमेंट एक्सप्रेस मतलब एकदम बकायदा राइटिंग में है राइटिंग में नहीं है बचपन के दोस्त है जो उनका बिहेवियर है आपस में बिहेवियर देखकर ही समझ में आ जा रहा है इम्प्लाइड तो अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी हो सकता है फ्रॉम द एक्ट डन बा पार्टनर्स ये एम्प्लाई जो है कैसे इंप्लाई हो रहा है एक्ट डन बाई द पार्टनर्स अनिल बोल रहा है रहे थे यार अरविंद से पूछ ले एक ही बात है मैं अरविंद को बोल देता हूँ अरविंद बोल रहे थे ठीक है मैं अनिल को बोल देता हूं समझ में आ रहा है कि आपस में अनिल और अरविंद एक ही है एक्ट डन बाई द पार्टनर्स एंड फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बींग फॉलोड कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट मेरे को जब भी कुछ सामान खरीदना होता है मैं फोन अनिल को लगाता हूँ अनिल मेरा दोस्त है अनिल मेरे को बोलता ठीक है, है रुख मैं अभी अरविंद को बोलता हूँ फोन करके अरविंद तेरे साथ कॉर्डिनेट कर लेगा मैं अनिल को पूछता हूँ कि भाई पैसे तुम्हें दूं क्या अरविंद को दूं? वो बोलते एक ही बात है मुझे दे दो या अरविंद को दे दो एक ही बात है और ये हमेशा से छह महीने हो गए मुझे छह महीने से किसी एक पार्टनर को भी किसी एक व्यक्ति को भी दे दूं मैं पैसे तो सामने वाला एक्नॉलेज कर लेता है पैसे देता हूं अरविंद को तो अनिल बोलता हाँ हाँ मुझे पैसे मिल गए पर पैसे तो मैंने अरविंद को दिए थे अनिल बोलता हाँ हाँ मुझे पैसे मिल गए तो कहने का मतलब ये है पैसे दो अरविंद को अनिल बोलता है मुझे मिल गए पैसे दो अनिल को तो अरविंद बोलता है हाँ हाँ मुझे मिल गए आपस में ये एक दूसरे के साथ पार्टनर की तरह व्यवहार कर रहे हैं कंडक्ट ऐसा है इनका कि ये समझ में आ रहा कि आपस में दे आर वन शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखो दोस्त बिल्कुल ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हैं बिटवीन देम इट मे बी ओरल और इट मे बी इन राइटिंग अग्रीमेंट जो है ओरली अगर है तो भी ठीक है राइटिंग में तो भी ठीक है मगर आपस में पार्टनरशिप के बीच में पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रहे बात तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अग्रीमेंट हो गया है अग्री कर गए साथ मिलकर काम करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे मगर क्या काम करेंगे कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल कंसीडर टू प्रोपोजिशन बिजनेस के लिए दो प्रोपोजिशन बोल रहे हैं ठीक है भाई दो प्रोपोजिशन बिजनेस के लिए दो प्रोपोजिशन समझने की चेष्टा करते हैं क्या है दो बातें फर्स्ट देर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस फॉर द परपज द टर्म बिजनेस अच्छा बिजनेस होना चाहिए अब बिजनेस क्या है ये डिफाइन किया गया ये बिजनेस क्या है कोई भी ट्रेड कोई भी ऑक्यूपेशन कोई भी प्रोफेशन ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज असेंशियल बिजनेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है भाई पहला बात तो बिजनेस है सेकेंडली द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेन्स तो बिजनेस चाहिए और प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में बिजनेस चाहिए एक मिनट ये बिजनेस जो है ये बिज़नेस ट्रेड हो ऑक्यूपेशन हो प्रोफेशन हो कुछ भी हो कुछ तो कुछ होना ही चाहिए और दूसरा प्रॉफिट Profit mantra, which leads to the formation of partnership. Therefore, very important. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and share the profits thereof. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त उसे ग्रीन हाईलाइट highlight से हाईलाइटर नहीं करना है ठीक है तो उसका हाईलाइटर चेंज कर दो देर फोर देर कैन बी नो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बार बार बता रहा हूं देर कैन बी नो पार्टनरशिप वेर देर इज नो इंटेंशन

मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा मिलकर वॉलेंट्रली कोई दबाव नहीं है कोई दबाव नहीं है तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा और दिल साफ है मेरे दोस्त पैसे बांटूंगा मिलकर कमाएंगे और पैसे बांट लेंगे प्रॉफिट्स को बांट लेंगे बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पर पैसे बटते हैं मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इंसान जिनके बीच में पैसे बट रहे हैं वो दोस्त हो कोई ज़रूरी नहीं है वो इंसान जिनके बीच में पैसे बट रहे हैं वो पार्टनर्स हो सर ऐसा कैसे हो सकता है सोच के देखिए सोच के देखिए हो सकता है कि भाई है हम भाई ब्रदर्स ब्रदर्स है हम बट साथ में इंटेंशन नहीं है काम करने का छोटे भाई को बड़े भाई पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है आजकल होता है आमतौर पर दोस्त पर भरोसा हो जाता है भाई भाई पर भरोसा नहीं कर रहे एंक्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी है बाप दादा की जमीन है उससे रेंट आ रहा है दोस्त बाप दादा की जमीन से रेंट मिल रहा है रेंट बट जा रहा है आपस में दोनों भाइयों के बीच में उस प्रॉपर्टी से जो भी मुनाफा हो रहा है बट जा रहा है मगर हमारा इंटेंशन नहीं है ये तो भाई दादाजी की वसीयत के हिसाब से पैसे बट रहे हैं तो बटने दो ये हम दोनों का मिलकर कोई बिजनेस नहीं शुरू किया है हमने तो आया बात समझ में दोस्त पैसे बट रहे हैं मगर पार्टनरशिप नहीं है ये तो पार्टनरशिप दिल से होता है वॉलेंटरी होता है कॉन्ट्रैक्चुअल होता है और उसमें मुनाफा को बांटेंगे तो मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल बताया जहां को ओनर्स हैं हम मगर पार्टनर नहीं है चौथा पॉइंट पे आ जाते हैं अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा कलर चेंज द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप देयर कैन बी नो पार्टनरशिप

मैं ए हूँ हम दोनों पार्टनर्स हैं क्या आपको लग रहा है कि ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप है जहाँ सारा पैसा मेरा तेरा कुछ भी नहीं आप समझ चुके हो कि ऐसा पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकता है ठीक है पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर एनी मैनर अच्छा देख भाई लल्लू मैं हूँ ए तू है सी मेरा मुनाफा नाइन्टी नाइन परसेंट तेरा मुनाफा वन परसेंट बोलो क्या ये ठंडा ठंडा पार्टनरशिप हुआ ये ए और सी मिलकर एयर कंडीशनर टाइप के पार्टनर्स हुए कोल्ड पार्टनर्स यस नाइन्टी नाइन और वन है तो कुछ शेयरिंग तो है क्यों लिखा हुआ है पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज अगर हमारे सी भाई साहब जो है ये वन परसेंट में खुश है उन्हें कोई एतराज नहीं है तो भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा कैसी ये तो आप लोगों को पता ही है सुन रखा आपने तो ए और सी के बीच की बात है नाइन्टी नाइन और वन है वो दोनों रिलैक्स्ड है इस बात को लेकर तो हम और आप क्यों अपना माथा खराब करें कोई दरकार नहीं है नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं बट एन अग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट शेयरिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ जाइए आप लोग ठीक है जिन्हें लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये अरे यार रुको इसे हम बॉक्स बनाएंगे और हम रंग बदलेंगे But an agreement to share losses is not an essential element. It is open. इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू अग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस कोई एक ऐसा पार्टनर हो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि भाई सारा लॉस मैं सहूंगा तुम लोग मिलकर काम तो करो यार नेगेटिव क्यों सोच रहे हो मैं कह रहा हूं ना लॉस मैं बर्दाश्त करूंगा लॉस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है मेरे अंदर मेरे पापा के पास बहुत पैसा है यार लॉस हुआ तो मेरा काम तो कर यार हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट होगा काम तो कर तो ऐसा हो सकता है हावेवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेस अनलेस अग्रीड अदरवाइज अब समझ लो पार्टनरशिप हमने खोल लिया बहुत जोश में खोल लिया प्रॉफिट का हिस्सा हमने तय कर लिया लॉस के बारे में सोचा ही नहीं हो सकता है क्या नहीं बोलिए मैडम हमने साथ में काम किया पार्टनरशिप का फर्म बना लिया प्रॉफिट शेयरिंग भी कर लिया कोई जरूरी है प्रॉफिट होगा लॉस हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अब अगर लॉस हो गया लॉस के बारे में कोई चर्चा नहीं की लॉस हो गया अब ये लॉस कैसे बटेगा जिस रेशियो में न्याय करेंगे अब हम अब हम न्यायाधीश जस्टिस चौधरी हूं मैं अब न्याय कर रहा है देखो बच्चों तुम लोग जिस रेशियो में मुनाफा बांटने का सोच रहे थे बच्चों बट अंकल जी अंकल जी जज साहब जज साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ मेरे पास तो एकदम भी पैसे नहीं हैं ये अरविंद है इसके पापा के पास अरविंद मिल्स एंड टेक्सटाइल्स का ओनर है ये इनके पास बहुत पैसे हैं तो बिटुआ पहले बात कर लेते अरविंद से ये अगर भाई अरविंद लॉस हुआ तो सब तेरा ये बोले थे नहीं नहीं बोलना भूल गए थे अब भूल गए हो तो भूल का सजा भुग तो, तो भुगतना पड़ेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैडम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा आपका लॉस लॉस शेयरिंग रेशियो तो जो भी रेशियो है ध्यान रखिएगा दिस मस्ट बी बोर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बी ओ आर एन ई बोन मतलब बर्दाश्त कर रहा है सहना है बोन मतलब ये नहीं कि जन्म ले लिया ऐसा मत सोचना सो दिस मस्ट बी बोन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आइए अब नन्ने मुन्ने एग्जाम्पल देखते को ओनर्स हु शेयर अमंग अमंगस द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स अभी तो हमने बताया था आपको बिकॉज देट डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप अ ज्वाइंट स्टॉक में हावेवर बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पज कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब पार्टनरशिप में फ्लोट नहीं की जा सकती है क्यों कौन बताएगा बताइए मैडम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या क्लब पार्टनरशिप में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है ऐसा क्यों क्या बात है आप तो एकदम एक करोड़ रुपया जीत गए प्रॉफिट करने के लिए नहीं खोलते चैरिटेबल का मतलब ही हम क्या करेंगे चैरिटी करेंगे और क्लब के लिए क्या कहेंगे आप क्लब क्लब सर्विसेज देता किसको देता अच्छा क्लब का मतलब यही है दोस्त आपस में ही खर्च करेंगे और उसी खर्च को बांट लेंगे क्लब का मतलब यही होता है ठीक है दस मेंबर है क्लब में बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग साथ में दो दो हजार रुपया लेते हैं शटल जो भी आया उसका हिसाब कर लेते हैं तो क्लब का मतलब यह है कोई प्रॉफिट नहीं करना है आपस का पैसा बस हिसाब करके दे देते हैं तो जब पैसा प्रॉफिट नहीं करना है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो यस ये नहीं हो सकता ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हवेवर बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पस इसे कहते हैं सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनीज बट अभी 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया है उस पर देखना होगा कि ये सेक्शन 25 अभी भी वैलिड है या नहीं एग्जाम्पल थ्री पे आते हैं एक्स एंड वाई बाई सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन विच दे अग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली दीज सर्कमस्टांसेस एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन बिजनेस मिलकर खरीदा प्रॉफिट करने का इच्छा है बिजनेस है कॉटन का बिजनेस है ये पार्टनर्स है पॉइंट नंबर फाइव में पहुंच गए हम बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल The business must be carried on by all the partners or by any one or more of the partners acting for all. This is the cardinal principle of partnership law. This is the cardinal principle of partnership law. In other words, देर शुड बी अ बाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंसी दोस्त अब आ गया है समय आपको म्यूचुअल एजेंसी समझाना है मुझे म्यूचुअल एजेंसी देखो बात को पहले समझना धीरे से कि समझ लो कि मैं हूं ए बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ मैं पहले मैं दो एक गाड़ी बेचा करता था अब आज के दिन मैं बहुत बिजी हो गया हूँ मैंने कुछ अपने एजेंट्स को अपॉइंट कर दिया है मैं अकेला कितने कस्टमर को हैंडल करूँगा तो मैंने अपने एक एजेंट को एजेंट एक्स को मैंने अपॉइंट कर दिया है और एजेंट एक्स अगर किसी को कुछ कमिटमेंट कर दे तो इसका मतलब यह है कि एजेंट एक्स का कमिटमेंट का मतलब है मेरा कमिटमेंट यह है मेरा एजेंट और मैं हूं प्रिंसिपल तो मेरे बिहाफ में डील कौन कर रहा है एजेंट एक्स अब पार्टनरशिप में भी दोस्त इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है कि ए जो है प्रिंसिपल है तो एक्स एजेंट है और रिवर्स भी कर सकते हैं हम इसे ए एजेंट है और एक्स प्रिंसिपल है तो ये आपस में एजेंट और प्रिंसिपल है क्योंकि पार्टनर है ना मेरे दोस्त कोई बड़ा छोटा नहीं है पार्टनर है बराबर के तो भाई तू किसी को बोल दे तो मैं बोल दिया मैंने किसी को कुछ कह दिया तो तूने कह दिया एक ही बात है तो ये है म्यूचुअल एजेंसी एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स एक पार्टनर का एक्ट आप समझिएगा बात को ए बी सी डी और ई e, e ने एक्ट किया अगर ई e एक्ट कर रहा है समझ लो ई e एजेंट है ए भी बाउंड होगा बी भी बाउंड होगा सी भी बाउंड होगा और डी भी बाउंड होगा बाउंड द वर्ड इज बाउंड पार्टनरशिप का मतलब यही है कि ई e ने कुछ काम किया तो मैं ये नहीं करूंगा ई ये तूने क्या किया ई भाई जो भी किया ई ने हमें ये मंजूर है हम ई के साथ है क्योंकि हम ई के पार्टनर हैं ई ने कुछ गलत सौदा कर दिया लॉस में माल का सौदा कर दिया दो हजार रुपया हमारा कॉस्टिंग था ई ने अठारह सौ रुपया करके ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया ए बी और सी और डी जो है वो मंजूर करेंगे वो झगड़ा नहीं कर सकते ये जाओ तुम समझो नहीं जो भी समझना है पूरा फर्म समझेगा एन एक्ट बाई वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ़ ऑफ़ फर्म इज़ इन फैक्ट एक्ट ऑल पार्टनर्स ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल दार्टनर्स ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड दर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट

रैदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एबसेंट देन देर विल भी नो पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है म्यूचुअल एजेंसी नहीं है पार्टनरशिप नहीं है कहने का मतलब यह है प्रॉफिट से भी बढ़कर अगर कुछ है प्रॉफिट से भी बढ़कर कुछ है तो वो है आपसी भरोसा एक दूसरे का साथ निभाने का जज्बा कि भाई तूने अगर कुछ कमिटमेंट कर दिया है तो चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ मैंने भी अगर कहीं कमिटमेंट कर दिया है तो मुझे भी ये भरोसा है कि मेरे बाकी सारे पार्टनर्स मेरे बैकिंग में है मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे कि भाई तूने गलती कर दिया तो इसी प्रकार से आइए के डी कामत एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा क्या कहा the supreme court has held that the two essential conditions to be satisfied are there should be an agreement to share the profits as well as losses of the business the business must be carried on by all or any one of them acting for all within the meaning of definition of partnership under section 4 the fact एक्सक्लूजिव पावर एंड कंट्रोल बाई अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज देखो सुप्रीम कोर्ट क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रहा ध्यान से सुन रहा द फैक्ट दैट द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल एक्सक्लूसिव पूरा पावर एंड कंट्रोल ये बाई अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज अग्रीमेंट है कि एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल हम एक व्यक्ति को दे रहे हैं इज वेस्टेड ऑन वन पर्सन और दर्दर सर्कमस्टेंस दट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट एक पार्टनर को बाई अग्रीमेंट पूरा एक्सक्लूसिव कंट्रोल और पावर दे रहे और तो और फर्दर सर्कमस्टेंस वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट्स बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पैसा बैंक का अकाउंट भी एक ही पार्टनर ऑपरेट करेगा और तो और बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बोरो ऑन बिहाफ भैया बोरो तो करेगा छगन लाल एक करोड़ रुपया बोरो कर लिया अगर कुछ गड़बड़ हुआ पांच पार्टनर है बीस बीस लाख रुपए लग जाएंगे बट फिर भी हमें भरोसा है बिहाफ ऑफ द फर्म में छगन लाल बोरो कर रहा है ये सब बातें जो हैं दोस्तों दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप अगर ऐसी कोई बात है तो दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर को सारा पावर मिल जाए बैंक भी वही ऑपरेट करे बोरो भी फर्म के नाम पे वही करे तो दीज आर नॉट डिस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप थ्योरी में यह अलाउड है कहने का मतलब यह है कि बोल रहे थे पार्टनर पांच पार्टनर है सब कोई काम करेगा भाई कोई जरूरी नहीं है एक पार्टनर ये देखो द फैक्ट द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल पावर भी कंट्रोल भी बाई अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज ये अग्रीमेंट के साथ हुआ है ये नहीं कि छगन लाल अपने आप रंगबाजी कर रहा है इज वेस्टेड ऑन वन पार्टनर और द फर्दर सर्कमस्टेंस डेट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट और बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ये देखो आर नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द थियोरी ऑफ पार्टनरशिप प्रोवाइडेड यहां से इंपॉर्टेंट वर्ड है देखो दोस्त प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए टू एसेंशियल कंडीशंस दो एसेंशियल कंडीशन मेंशंर आर सेटिस्फाइड दो एसेंशियल कंडीशन दो एसेंशियल कंडीशन बोले तो देर शुड बी इन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रोफिट्स एंड वेल एज लॉसेज ऑफ द बिजनेस द बिजनेस मस भी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल विद इन द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन फोर अगर ये दो बातें पूरी हो रही है तो एक पार्टनर सब कुछ ऑपरेट करे तो भी डिस्ट्रक्टिव नहीं है कंस्ट्रक्टिव माना गया है पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड दोस्त आज के लिए हम यहीं फुल स्टॉप लगाएंगे नेक्स्ट डे हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को और डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे बेस को मजबूत करेंगे बेस अगर मजबूत है तो कहीं पर भी आप स्टंप आउट नहीं हो गए हिट विकेट नहीं होगी ये मेरा गारंटी है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आराम से चलो धीरे चलो अच्छे से चलो मजबूती से चलो गारंटी दे रहा हूं 101 एंड परसेंट यू विल स्कोर वेरी हाई एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ दो घंटे मिलते हैं दोस्त दो घंटे में योर ब्रेन हैज टू सपोर्ट यू जिस ब्रेन को बहुत रिलैक्स पैटर्न पे अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन को डालोगे आराम से असेंबल करोगे इंफॉर्मेशन को तो कंफ्यूज लाइब्रेरी मत बनाओ अपने ब्रेन को लाइब्रेरी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी किताब अगर वापस चाहिए तो प्रॉपर सीरियल नंबर प्रॉपर ईयर सब कुछ अगर सेग्रीगेटेड है तो आराम से जाके लाइब्रेरी से आप किताब निकाल सकते हो इसीलिए दोस्त सेग्रीगेट होके रिलैक्स करके आराम से सोचो समझो पार्टिसिपेट करो और उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग के लाइब्रेरी पे सेट करो तो एग्ज़ामिनेशन हॉल पे ये दिमाग आपको धोखा नहीं देगा ये विश्वास है मेरा ये एक्सपीरियंस है मेरा मान के देखो एग्जामिनेशन हॉल से आप जब निकल के फ़ोन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यस वॉट डिफरेंस इट हैज़ क्रिएटेड थैंक यू वेरी मच सी यू अगेन टुमारो